इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। बात है तो मुझे यहां किसी को नहीं बताना चाहिए कि राकेश जिंदा है। वो रितिका के पिता जस्टिस आदित्य प्रताप सिंह, वो कहां सोए हैं जो हमारे मानस के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि सब जानते हैं कि मेरा मानस बेगुनाह है। वो दिन जरूर आएगा बेटा जब मैं खुलेआम ये कहूंगी कि तुम्हारा परिचय ये है। मैं जानता हूं कि तुम अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करोगी। अरे जब तुमने वो पहले बताना शुरू किया ना, मैं तो परेशान हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन और राकेश का राज खुल गया हो? अगर ऐसा हुआ ना स्नेहा, तो अर्जुन को जिस काम के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, उस काम के लिए फिर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मैंने ये बात संभाल ली है, लेकिन आगे के लिए तुम्हें जरूर सोचना होगा। बात खुल चुकी है, द कैट इज आउट ऑफ द मिस्टीरियस बैग। नॉट टू वरी, तुम एक काम करो, घर में रहकर घर के हर सदस्य पर बारीक नजर रखो, उनके हाव भाव, उनके सोच विचार के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करो। वैसे मुझे नहीं लगता कि अंजना में इतनी हिम्मत है कि वो इस राज का पर्दाफाश कर सके। अर्जुन ही राकेश है। लेकिन सुंदर, अगर इस अंजना ने किसी के भी सामने बात खोल दी कि अर्जुन ही राकेश है, तो फिर हमारा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जो बात तुमने अभी भी बताई उसकी बुनियाद पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंजना में इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो किसी से यह नहीं कह पाएगी कि अर्जुन ही राकेश है। और बिलफर्ज मान लो अगर ऐसा हो भी गया, उसने किसी से कह भी दिया, तब भी किसी की भी शक की सुई मुझ पर नहीं घूमेगी। मैडम, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ लोग हमारी नजरों से अभी तक छुपे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि कहीं हो ना हो गुलशन की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ। जब कानून की हथकड़ी नजर आती है ना, तो अच्छे अच्छे मुजरिमों का यही हश होता है, एक दूसरे के खुद ही दुश्मन बन जाते हैं। मैडम, मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी सुंदरलाल और जमाल के रिश्ते के बारे में। मैडम, आप उन रिश्तों को खंगालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जमाल तो गुलशन के बेहद करीब था ही, और सुंदरलाल के बारे में भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट है मैडम।
हेलो माँ जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? कैसे फोन किया? मुझे आपसे बात करनी थी। एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना था और कुछ पूछना था आपसे। बोलो ना बेटा, क्या बताना था, क्या पूछना है, कहो ना। माँ जी, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात आपसे कहूँ या पता नहीं आपको कैसी लगेगी ये बात, पर जब आप मुझे, मैं आपको बता ही देती हूँ ये बात। हाँ बोलो बेटा। मैं मामा जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। माँ जी, एक्चुअली ये बात सुनकर मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। आपको पता है मामा जी के किन लोगों के साथ रिश्ते हैं? किन लोगों के साथ? वही लोग जिन्होंने राकेश को कानून के जाल में फंसाया था, गुलशन शाह और जमालुद्दीन शेख। क्या? वही लोग जिन्होंने राकेश को कानून के जाल में फंसाया था, गुलशन शाह और जमालुद्दीन शेख। क्या? हाँ माँ जी, जमालुद्दीन शेख राकेश के केस में एक अहम गवाह था। उसने अदालत में झूठी गवाही दी थी, जिसकी वजह से राकेश को फांसी की सजा हुई थी। और मामा जी के रिश्ते उन लोगों के साथ हैं। जमालुद्दीन शेख के साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। माँ जी, पहले तो मैं भी सच नहीं मान रही थी, लेकिन मेरे पास पुख्ता सबूत है इस बात के। मामा जी ऐसे कैसे कर सकते? जमालुद्दीन शेख के कारण राकेश को देशद्रोही करार करवाया था, वो उनके साथ दोस्ती कैसे रख सकते हैं? और ये दोस्ती आज से नहीं, कई सालों से है, बहुत पुरानी दोस्ती है माँ जी। अगर इतनी पुरानी दोस्ती थी तो ऐसी गवाही के बाद वो जरूर टूट गई होगी बेटा। नहीं माँ जी, वो आज भी दोस्त है, बहुत सालों से दोस्त है और बहुत गहरी दोस्ती है उनके बीच में। तुम कहना क्या चाहती हो बेटा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, उस वक्त मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि हमारे घर में हथियार रखने का काम किसी गैर ने नहीं, किसी अपने ने ही किया था। तुम्हारा मतलब है कि सुंदर? माँ जी, आज जो सबूत मेरे पास है उसके आधार पर तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि राकेश को फंसाने के पीछे हो ना हो मामा जी का ही हाथ है। शायद ये भी हो सकता है कि उनको किसी ने फंसाया हो, यानी उनका इस्तेमाल किया हो। कुछ भी हो माँ जी, लेकिन आज गुलशन शाह और जमालुद्दीन शेख के साथ जो रिश्ते हैं उनके, मुझे उन पर शक हो रहा है इस बात को लेकर। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि सुंदर ऐसा कर सकता है। नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं कर सकता। माँ जी, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई ताकि आप इस बात पर गहराई से सोचें। और हाँ, आप मामा जी पर कड़ी नजर रखिए, शायद आपको कुछ और सबूत हासिल हो जाए। और हाँ, ये बात अभी आप किसी को भी मत बताइएगा। क्या पता इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें और आसानी हो जाए। माँ जी, अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी। नमस्ते। और मामा जी के रिश्ते उन लोगों के साथ हैं। जमालुद्दीन शेख के साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती है,
माँ जी, उस वक्त मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि हमारे घर में हथियार रखने का काम किसी गैर ने नहीं, किसी अपने ने ही किया था। किस किस की जबान को बंद करेंगे हम? अरे किस किस को खामोश रहने के लिए मजबूर करेंगे? ये केस इतना उलझ गया शारदा के रितिका को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं रितिका के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले ही राकेश की वजह से उसके कलेक्टर बनने पर कई सवाल खड़े किए गए, उसे कलेक्टर बनने से रोकने की पूरी कोशिश की। अरे कलेक्टर बनने के बाद भी उसने ऐसी कौन सी मर्यादा का पालन किया है? बार बार समझाने के बावजूद उसने वही गलतियां दोबारा दोहराई हैं। और वो राजेश्वर उसके हर फैसले पर उंगली उठाता है। क्या? हाँ, लोगों को तो जैसे मौका मिल गया है हमारी रितिका पे लांछन लगाने का। गलती की मानस ने उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है रितिका को। लेकिन मानस ने तो कोई जुर्म नहीं किया है। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़े जुर्म से ज्यादा अहमियत रखती है शारदा, और यही बात इस मामले में भी हुई है। अपनी वाहवाही के चक्कर में मानस ने दंगों की फुटेज अपने शहर में चलवाई, और यही बात मानस के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। गलतियां किससे नहीं होती। मानस को तो ये पता भी नहीं होगा कि ये उस पुरुषन की चाल है। अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारी चाल पुरुषन शाह की थी, क्योंकि वो अभी दुनिया में नहीं। सारे राज जो थे उसकी मौत के साथ दफन हो गए। अब तो ये मामला सीबीआई के हाथ में जा चुका है ना। अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारी चाल गुलशन शाह की थी, सारे राज जो थे उसकी मौत के साथ दफन हो गए। अब तो ये मामला सीबीआई के हाथ में जा चुका है ना। सीबीआई मामले की तह तक जरूर पहुंचेगी, और ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि गुलशन की मौत के पीछे किसका हाथ है। तुम्हें पता है गुलशन की मौत को मुद्दा बनाकर उसकी पत्नी शहर में जगह जगह रैलियां करवा रही है, धरने किए जा रहे हैं, और हर रैली में यही कहा जा रहा है कि रितिका ने अपने पति को बचाने के लिए दंगों का इल्जाम गुलशन के सर पर लगा दिया और साजिश करके उसे मरवा दिया। ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है शारदा, बहुत बड़ा इल्जाम है। पता नहीं क्या होगा। जिसको जो कहना है कहता रहे, किसी और के कहने से ये बात साबित थोड़ी ना हो जाएगी कि गुलशन शाह की मौत के पीछे आपका हाथ है। मैं जानती हूं कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि दुनिया वाले, तुम देखो ना, ये शहर के लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं कि गुलशन शाह की मौत के पीछे मेरा हाथ है। मैंने तो हमेशा लोगों का भला चाहा, उनकी सेवा करनी चाहिए। साक्षी, मुझे अभी भी याद है, कलेक्टर बनने से पहले मैंने एक रण लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहेगा कि मैं लोगों की सेवा करूं, उनके लिए कुछ करूं। और आज वही लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो बुरा तो लगेगा ही। एक बात कहूं आपको, आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि कलेक्टर बनने के बाद आपने अपने जिले के लिए, आसपास के गांव वालों के लिए, गरीबों के लिए जो कुछ भी किया है कोई और नहीं करता। सिर्फ तुम ही एक हो जो मुझे समझती हो। पर
ये तो सिर्फ शुरुआत है, और कुछ करना चाहती हूँ। मेरे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस मेरे दुश्मनों ने ऐसी चाल चली है जिनकी वजह से लोग मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। मैं क्या करूं? अब तुम्हें बताओ, मैं गुलशन शाह को क्यों मारना चाहूंगी? बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि मैं गुलशन शाह को कानून के सामने ले जाकर खड़ा कर दूं और कानून उसे सजा दे। पर भाभी, कानून भी तो उसे वही सजा देता ना। एंड यू नो व्हाट भाभी, गुलशन शाह जैसे लोग जो इस देश पर, इस समाज पर एक बोझ हो, उनका अंजाम यही होता है। अगर वो दुश्मन के हाथों नहीं मारे जाते तो दोस्तों के हाथों मारे जाते हैं। इसलिए आपको गुलशन शाह की मौत पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लीजिए कि उसकी मौत से इस धरती का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। भाभी, भाभी, कोई आया? इन्हें आप माफ कर दीजिए प्लीज। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अब ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे प्लीज। आप यहाँ? हाँ, मैं आपसे से मिलने आई हूँ। जिले की कलेक्टर साहिबा है ना, आपको सरकार ने पावर दी है। उसी पावर का इस्तेमाल करके आपने मेरा सुहाग छीन लिया। आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? परेशान क्यों हो रही आप? मैं आपके पापा की तरह कानून की कुर्सी पर नहीं बैठी हूँ कि मैं कुछ भी कह दूंगी और वो तारीख बन जाएगी। मैं जानती हूँ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको मुजरिम कोई नहीं साबित कर सकता। अपना पावर लगाकर आप कानून से आराम से निकल जाएंगी, है ना? देखिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बस एक ही बात कहने आई हूँ। जी कहिए। एक सुहाग के उजड़ जाने के बाद तुम तो दोबारा सुहागन बन गई।
लेकिन मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि ये मंगलसूत्र जो मेरे गले में है ना, वो किसी और के नाम का नहीं है, ये उसी गुलशन शाह के नाम का है। जो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन अभी भी ये मंगलसूत्र मेरे गले में पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं इस बंधन को तोड़ना नहीं चाहती हूं। मैंने कसम खाई है, कानून तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके या ना बिगाड़ सके, मैं गुलशन शाह की पत्नी अपने सुहाग का बदला जरूर लूंगी। और जब तक अपने सुहाग का मैं बदला नहीं ले लेती, ये मंगलसूत्र मेरे गले में यूं ही पड़ा रहेगा। समझी तुम?